हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्मोक रीडिंग। इसमें हम देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। पहले हम इसको जला लेते हैं, ठीक है? चलिए प्रे कर लेते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल सैंडल्फेल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल यूरियल, प्लीज मुझे गाइड करिए कि मैं अपने व्यूवर्स को सही से गाइड कर सकूं। जो भी मेरे व्यूवर्स की क्वेरी है उनको मैं क्लियर कर सकूं और उनको सही से गाइड कर सकूं, इतना मुझे गाइड करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है? इसमें मैं आपके पर्सन की इनिशियल बताऊंगी और लकी नंबर भी बताएंगे, ठीक है? और जो भी रीडिंग निकल कर आएगी वही मैं बताऊंगी, जो भी मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है। ये साइकिक रीडिंग होती है, इंट्यूटिवली रीडिंग की जाती है, ठीक है? तो आप मेरे साथ बने रहिए, दिल थाम कर बैठ जाइए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, ताकि सब कुछ पॉजिटिव निकल कर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मुझे जो यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं वो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन और आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का रोल इतना स्ट्रांग है कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते। जितना आप भी अपनी लाइफ में 100% नहीं लगाते होंगे, इतना थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में 100% लगाती है, ठीक है? मतलब आपको बर्बाद करने के लिए, क्योंकि उसका काम ही यही है, थर्ड पार्टी चाहे फिर कोई भी हो, ठीक है? जरूरी नहीं कि प्रेमी प्रेमिका ही थर्ड पार्टी होती है, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, जॉब करियर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है? और कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो स्मोक है ये मेरी तरफ आता है तो मेरी थोड़ी सी आवाज़ में फ़र्क आ सकता है, या साइड में मैं मुंह करके भी बोल सकती हूँ, ठीक है? तो मुझे, क्योंकि मेरी तरफ आ रहा है ना, इस वजह से कह रही हूँ। तो गाइस, मैं बताना चाहूँगी कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन और आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी एक अहम भूमिका निभा रही है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ को बनाने का काम कम कर रही है और बिगाड़ने का काम ज़्यादा कर रही है। थर्ड पार्टी को आनंद ही इसी चीज़ में आता है, चाहे फिर वो कोई थर्ड पार्टी हो, ठीक है? उसको आनंद ही इसी चीज़ में आता है कि आपकी लाइफ पूरी तरह से स्पॉइल कर दें वो। क्योंकि किसी के पर्सन की लाइफ में या किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी तभी आती है जब वो उसको बर्बाद करने की सोचती है, ठीक है? आती तो बड़ी आराम से है, बहुत ज़्यादा इजीली वो एंटर कर जाती है लाइफ में, लेकिन जाने पर बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट करती है। मतलब जाती है ना, तब ऐसा लगता है कि जैसे चने में घुन लगता है ना, तब घुन क्या करता है, चने को बिल्कुल खाली कर देता है और तब वो निकलता है, क्योंकि उसका छिलका छिलका रह जाता है। इसी तरह से जब किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी एंट्री करती है तब आ तो जाती है बड़ी इजीली, लेकिन जब वो जाती है तब तक सब कुछ खोखला कर देती है। मतलब वो टाइम पीरियड जो उस मनुष्य का होता है, एक सुनहरा गोल्डन टाइम होता है, उसको तो वो पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। उसके बाद में बचा ही क्या होता है, लास्ट में तो सांसें चल रही होती हैं, शरीर एक मृत अवस्था की तरह रहता है, उसमें कोई इच्छा ही नहीं होती, इच्छाएं मर जाती हैं इंसान की। इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी किसी के लाइफ में भूल कर भी ना आए, भगवान किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी ना दे, फिर चाहे वो कोई भी है। कोई भी मेंबर जो आप दोनों के पार्टनर की लाइफ में आता है वही थर्ड पार्टी है। यहाँ पर कुछ लोगों को क्लियर नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ, अगर आप दोनों की मैरिड लाइफ में कोई इंटरफेयर करता है, फिर चाहे कोई भी हो, वही थर्ड पार्टी है, ठीक है? तो यहाँ पर जब आपकी लाइफ में एंट्री होती है ना थर्ड पार्टी की, तो क्या होता है कि तब उस टाइम आपको अंदाज़ा नहीं होता है, आप सोचते हैं कि ऐसे ही थोड़े बहुत दिन बाद में ये उसको छोड़ देगा या छोड़ देगी और उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जाने का नाम नहीं लेती है थर्ड पार्टी, चिपकू चिपकू होती है। जैसे आपने फेविकिक देखी है, किस तरह से चिपक जाती है, फिर तो वो सीधी जो है अगर हाथ में चिपक गई तो चमड़ी को ही लेकर उतरती है, स्किन हमारी वहाँ से बिल्कुल जो है वो चिपक जाती है और उतरती है तब बिल्कुल जख्म दे करके उतरती है। इसी तरह से थर्ड पार्टी जिसकी लाइफ में आती है, जब जाती है ना, तो वो इतने जख्म देकर जाती है कि जिंदगी भर वो भरने का नाम नहीं लेते हैं, फिर इतने मनमुटाव हो जाते हैं कि वो पहले जैसी बात नहीं रहती है। अगर दो पर्सन मिल भी रहे हैं, अगर साथ में चल भी रही हैं, अगर उनका फ्यूचर साथ में है भी, तो भी वो वाली बात नहीं होती जिंदगी में जो पहले होती थी। वो वाली स्टोरी तो क्लोज हो जाती है, वो वाला चैप्टर तो क्लोज हो जाता है, उसके बाद में तो खाली किताब होती है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की लाइफ में। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि वाइब्स आ रही हैं कि आपकी लाइफ में डाइवोर्स तक की नौबत आ रही है।
आपके पार्टनर या आप डाइवोर्स मांग रहे हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर फीलिंग्स आ रही हैं कि उनकी फैमिली जो है, यहाँ पर दो पर्सन की मुझे वाइब आ रही है, एक मेल और एक फीमेल। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं, या तो आपके पर्सन के भाई हो सकते हैं, या उनकी बहन हो सकती है, या आप लोगों की जो है सास वगैरह ननद वगैरह कोई भी हो सकती है, जैसे आपके पार्टनर की बुआ हो सकती है। एक लेडी और एक जेंट्स की मुझे वहाँ पर यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि ये उनके फादर हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी मिली भगत है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है। मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ गाइस कि वो नहीं चाहते कि आप उनके घर में रहें, वो नहीं चाहते कि आपका यहाँ से कोई हिस्सा आपको मिले या आप इस घर का मेंबर बने, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ये वाइब्स आ रही हैं कि वो आपको बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। किसी कारणवश, किसी मजबूरी बस आपसे आपके पार्टनर ने शादी की थी, या तो किसी का प्रेशर होगा, या उन्होंने अपनी खाली जगह भरने के लिए, यानी कि ऐसा लगे लोगों को कि शादीशुदा है और उनका काम भी चलता रहे और इधर जो है सब लोगों का मुंह भी बंद हो जाए। इस तरह की नौबत मुझे आपके पर्सन के साथ दिखाई दे रही है कि ऐसी रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने आपसे शादी की है, ताकि इसको शादी करके घर में ले आए। बाकी जो काम होना है वो तो होना ही है, ठीक है, और थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी मौजूद है। अदर पर्सन के साथ भी आपके पर्सन डील करते, क्योंकि फ्लर्टी नेचर की है आपके पर्सन। आपके पर्सन जो है उनको जिम्मेवारी लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके पर्सन जो है एक चवन्नी खर्च करके खुश नहीं है। आपके पर्सन इतने ज्यादा कंजूस किस्म के इंसान हैं और इनकी फैमिली इनका उस्ताद है। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो वाइफ्स आ रही हैं गाइस की, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने शादी तो कर ली, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि वाकई में ही एक रियल पार्टनर क्या होता है, वाकई में एक अच्छा कंपेटेबल पार्टनर क्या होता है, वाकई में खुशी क्या होती है, खुशियों का क्या मीनिंग होता है। जो थर्ड पार्टी से डील कर रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे, तो उनको अभी एहसास हो रहा है कि एक जो रिलेशनशिप, रियल में जो रिलेशनशिप होता है और उसमें ग्रोथ होती है, उसमें अपनापन होता है, उसमें अपने बच्चे होती हैं, अपनी अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ होती है, उसमें एक अलग ही जो है मजा आता है, उस जिंदगी में एक अलग ही सुकून मिलता है जो लोग सभी जीते हैं। ठीक है, तो आपकी पर्सन को पहले पहले तो बड़ी खुशी मिलती थी, और उसके बाद में आप जब चारों तरफ नजर उठाकर देखते हैं कि सारी दुनिया बड़े मजे में है और मेरी लाइफ के इशू ही खत्म नहीं हो रही है, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तब आपके पर्सन को ये रियलाइज होने लगा है कि मैं जहां पर फंसा हुआ हूं ना, वो एक नर्क है, वो एक नरक है, और नरक से ज्यादा कुछ नहीं है। वहां पर खुशियां नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पर मैं सिर्फ दिखावे के लिए गया था, सिर्फ जो मेरा उस टाइम की जो मेरी एनर्जी थी कि मुझे अपने आप को फुलफिल करना है, मैं खुशियां ढूंढ रहा था, लेकिन खुशियां जो जैसे कहते ना कि मृग के अंदर जो है उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है, लेकिन वो सारे वन में घूमता फिरता रहता है। उसको खुशबू ऐसा लगता है कि जैसे कहीं और से आ रही, कहीं और से आ रही, वो इधर जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा। इस तरह की नौबत मुझे दिखाई दे रही कि आपके पर्सन की रही है, और आपके पर्सन जो है खुशियों को ढूंढते रहे, लेकिन उनको कहीं खुशियां नसीब नहीं हुई है। जो खुशियां वो आपके साथ में जो है महसूस करते हैं, जो वो फील कर पाती हैं, उतनी खुशी उनको कहीं नसीब नहीं होती है। इसलिए उनको रियलाइज हो गया है कि जो अपने पार्टनर के साथ में जो एक अच्छा कंपेटेबल पार्टनर होता है वो उसको सारी खुशी देता है, और यहाँ पर तो सिर्फ सिर्फ जो है ये टाइम पास है और कुछ नहीं है। क्योंकि जो थर्ड पार्टी मेरे लिए ओपन अप हो सकती है वो किसी और के लिए भी हो सकती है, जो थर्ड पार्टी मुझे इंजॉय कर सकती है वो किसी और को भी इंजॉय कर सकती है। यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। इनकी फैमिली आपको लाइक नहीं करती है, वो कहती है कि भाई शुरू से ही आपकी शादी को कई साल हो गए हैं, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 4 साल हुए, किसी को 15 साल भी हुए, किसी को 10 साल भी हुए हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किसी को 2 साल भी हुए हैं। तो मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं कि आपके पार्टनर की फैमिली नहीं चाहती कि आप उनके साथ रहें, आपसे वो तलाक दिलवाना चाहते हैं और शादी कहीं और करवाना चाहते हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि आपके पर्सन की शादी कहीं और करवाने के लिए वो रेडी थी, लेकिन वो बात वहाँ पर आपके पार्टनर ने मतलब बनाई नहीं, यानी कि शादी की नहीं। उसका मलाल उनको आज तक भी है, उनकी फैमिली को, कि तुमने हमारे कहने से शादी नहीं की, तुम बहुत सुखी रहते। आज ये नौबत नहीं आती क्योंकि आप लोगों में बनती नहीं है, आप लोगों में आए दिन कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा रहता है। इसकी वजह से जो है आपके पर्सन को ऐसा कहा जाता है कि हमारे कहने से अगर तुम शादी करते तो आज ये नौबत नहीं आती, तुम बड़े खुश रहते। और आपके पर्सन को बार बार ये रियलाइज करवाया जाता है कि हम सही हैं और तुम गलत हो, तुम्हारा पार्टनर गलत है, तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता गलत है। तुम जहां तक सोचते हो उससे भी आगे की हम सोचते हैं। तुम्हें क्या पता जिंदगी क्या होती है, तुम्हें क्या पता लाइफ क्या होती है, तुम्हें क्या पता पार्टनर क्या होता है, तुम्हें क्या पता लोग कैसे होते हैं, कितना छल करती हैं, कितना धोखा देती हैं, तुम्हें क्या पता है इस जिंदगी का।
इस जिंदगी के बारे में तुम जानते क्या हो, इस तरह से आपके पर्सन को समझाया जाता है और आपके पर्सन का ब्रेन वॉश किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है काफी। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है कि अभी धीरे 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 ऐसे चलता रहे आपकी लाइफ में, लेकिन अभी आपके पर्सन उब चुके हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को उनके साथ रहते रहते ऐसा लगता है कि जैसे जेल में फंस गया हूँ, वही रोज रोज की डेली रूटीन, वही सब कुछ, वही सब कुछ। इसमें तो कोई मजा ही नहीं है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है जो एक अच्छे पार्टनर के साथ में जीवन जीने में है, एक अच्छा घर बसाने में है, एक अपने बच्चों के साथ खुश रहने में है। सुबह सुबह जो है आपके पार्टनर के फेस पर जो स्माइल आप लेकर आते थे, वो वाली बात कहाँ है? मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है कि आपके पर्सन को वो बीते हुए दिन याद आ रहे हैं, कुछ पल आपके साथ जो बिताए थे उन्होंने, कुछ महीने जो आपके साथ बिताए थे वो पल याद आ रहे हैं, और आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी, चाहे फैमिली मेम्बर्स है चाहे अदर पर्सन है, उनके साथ बिल्कुल खुश नहीं है। उनको वहाँ पर जेल लगने लग गई है, वो ऐसा सोच रहे कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो अदर पर्सन के साथ फंसे हुए हैं जिनके पार्टनर, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने शादी की है, दूसरी शादी की है, और मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही है कि गाइस की वहाँ पर वो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के पैसे लिए हैं, आपके पर्सन के पैसे उन्होंने लूटे हैं, खसोटे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही है कि वो पैसे वहां पर फंस गए हैं आपके पर्सन के, और अभी आपके पर्सन को वहां से निकलने में बड़ी परेशानी हो रही है, और वो अभी आपकी तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है, तो आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही है कि आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, हो सकता है कि आपके एक लड़का एक लड़की हो सकते हैं, या फिर एक लड़की भी हो सकती है, और कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पर दो लड़कियां भी नजर आ रही है। मैं यहाँ पर ये फील कर पा रही हूँ गाइस कि अभी अपने बच्चों की उनको टेंशन हो रही है, कुछ लोगों के बच्चे तो काफी बड़े हो चुके हैं, हो सकता है कि 9th 10th में हो, 12th में हो सकता है कि कुछ लोगों के बच्चे छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ज्यादातर तो बड़े बच्चों की चिंता मुझे यहाँ पर आपके पर्सन को नजर आ रही है, कि उनको लग रहा है कि उनका फ्यूचर क्या होगा, उनको कहीं जॉब भी लगवाना है, उनको कहीं कोई कोर्स भी करवाना है, कोई ट्रेनिंग भी करवाना है, उनको कहीं सेटल भी करना है। अब उनको उस बात की चिंता खाई जा रही है, और कहीं ना कहीं वो आपको देखती हैं कि आप अपना वर्क कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम करते होंगे, या अपने घर का काम में बिजी रहती हैं, या कोई मेहनत मजदूरी करते हैं, या कहीं अपने ऑफिस वगैरह ज्वाइन कर रखा है, स्कूल वगैरह ज्वाइन कर रखा है, आप उसमें बिजी रहते हैं, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप रात दिन मेहनत करते हैं और अपना जैसे तैसे करके गुजारा कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये अंदाजा हो गया है कि मेरा पार्टनर कितना मेरे बिना जो है वो कितना अकेला रह करके कितना दुख झेल रहा है, और मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए, आज मैं वहां पर नहीं हूँ, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं कि वो तो खुश और होती हैं जब आप दुखी होती हैं, आपको कोई तकलीफ होती है, आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, तब आपके पार्टनर की फैमिली को तो बड़ा मजा आता है कि अच्छा है, जितना इसको दुख मिले उतना ही अच्छा है। वो तो ये सोचते हैं कि इसको रोज इसके आंसू निकले, रोज ये रोते रहे, इनके बच्चे रोते रहे, इनके बच्चे हर चीज के लिए तड़पते रहे, ऐसा वो सोचते हैं, और उनके ख्वाब यही है कि वो आपको किसी तरह से बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही गाइस कि आपके पर्सन और उनके फैमिली मेंबर्स या अदर थर्ड पार्टी जो है वो बिल्कुल मजे में है, बैठकर बात तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी जो है आपकी याद सताती है उनको, और आपके बच्चों की भी याद आती है। ठीक है, वैसे मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है कि कुछ लोगों ने जो शादी कर ली है, मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है कि हो सकता है कि आपके पर्सन एरीज लियो सजिटेरियस हो, या फिर जो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, जिनके पार्टनर ने अदर पर्सन के साथ में शादी कर ली है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपके साथ रेजोनेट हो। ठीक है, ये आपको भली भांति पता है कि आपके पार्टनर कैसे हैं और कैसे नहीं हैं, मेरे से अच्छे से आप जानते हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर के ऊपर ब्लेम ना लगाएं, जब तक आप पूरी तरह से ना जानें, ना आप देखें अपनी आंखों से, तब तक आप किसी के ऊपर कोई ब्लेम ना लगाएं। और मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे ऐसा यहाँ पर फीलिंग्स आ रही है कि आपके पर्सन काफी सोच रहे हैं कि मेरा अपना घर हो। ठीक है, आप भी जैसे सोचते होंगे कि मेरा अपना घर हो, तो आपके पर्सन भी कैसे ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा अपना घर हो जिसमें मेरे अपने बच्चे हों, अपनी अपना पार्टनर हो जिसमें मैं खुश रहूं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है कि वो कहीं ना कहीं आपको और आपके पर्सन को रियलाइज है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, तो वो ये भी सोच रहे हैं कि जर्नी कब पूरी होगी, इसमें इतने दुख हैं कि पता नहीं ये पूरी कब होगी। उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें इतना स्ट्रगल है, इतना जो है मतलब इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं, इतने ज्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं हमारी लाइफ में, पता नहीं ये कब पूरे होंगे। और थर्ड पार्टी में रह करके वो अपने कर्मों को कोस रहे हैं कि क्या ऐसे कर्म किए थे मैंने जो आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये वाइब सारी गई कि कुछ लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, तो यहाँ पर वो आपके पर्सन जो है, चाहे बेशक आपको दिखाते हो कि मैं आपसे
डाइवोर्स लेना चाहता हूँ या आप कहते होंगे तो, लेकिन वो खुश नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जिनके पार्टनर ने शादी नहीं की अदर पर्सन से, तो वो पार्टनर तो आपके जो है वो बिल्कुल भी आपको डाइवोर्स देने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन उनके पेरेंट्स का प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है, इस वजह से शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं या आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है कि वो आपको डाइवोर्स दें। आपके पर्सन को अपने बच्चों की बहुत याद सता रही है। अगर अभी आप नो कांटेक्ट में हैं या ऑन ऑफ की सिचुएशन में आपके पर्सन रहते हैं, तो मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं गाइस कि आपके पर्सन को अपने बच्चों की टेंशन तो रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती है, चाहे वो दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन उनको अपने बच्चों की टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है। आपके पर्सन जो हैं वो आपके कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट करते रहते हैं, क्योंकि थोड़ी ईगो भी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि उनकी फैमिली तो काफ़ी स्टेबिलिटी लिए हुए है, उनके पास में काफ़ी फाइनेंस है, अच्छा घर है अपना एक जैसे बंगलो टाइप में, और उनके पास में काफ़ी फाइनेंस है, तो आपके पर्सन वहाँ पर खुश तो हैं, लेकिन वो बात नहीं है, लेकिन वो खुशी जो एक पार्टनर के साथ होती है वो वाली खुशी यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है। आपके पर्सन वैसे उदास रहते हैं, हालांकि उनके पास में सब चीज़ है, गाड़ी बंगला मकान सब कुछ है, वो पेरेंट्स के साथ रहते हैं या अदर पर्सन से डील करें तब भी वो खुश हैं और पेरेंट्स में भी खुश हैं, लेकिन जब आपकी याद सताती है, जब थोड़े टाइम के लिए बैठती हैं तब आपकी याद आती है, अपने बच्चों की याद आती है, तब वो बहुत उदास हो जाती है, तब वो सोचते हैं कि एक पल में मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन वो वहाँ से आ नहीं सकते क्योंकि उनकी ईगो है, ईगो उनको जो है वहां से आने नहीं देती है या फिर कोई एक्शन लेने नहीं देती है, मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। लेकिन थर्ड पार्टी को वो कभी भी दुखी होकर नहीं दिखाते हैं, थर्ड पार्टी को दिखाते हैं कि आपको जितना टॉर्चर किया जाए उतना ही अच्छा है, थर्ड पार्टी को जैसे थर्ड पार्टी चाहती है उनसे वैसा ही वो थर्ड पार्टी को शो करती हैं। इसी वजह से मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कभी कभार आते भी होंगे तो वो ऐसा ही बिहेव करते होंगे जैसे थर्ड पार्टी चाहती है। आप बहुत दुखी हो जाते हैं कि पर्सन इतने सालों में भी नहीं बदला है, इसका पता नहीं दिमाग क्या है, किसी ने जादू टोना करवा दिया, लेकिन मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं कि 50% से भी ज़्यादा लोगों के पार्टनर के ऊपर कोई जादू टोना नहीं है, वो सिर्फ दिखावा करते हैं कि मेरा दिमाग चल नहीं रहा है, मेरे दिमाग में ये हो गया है, मेरे दिमाग में वो हो गया है, मुझे तो समझ नहीं आता है मैं क्या डिसीजन लूँ, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे दिमाग में पता ही अचानक से क्या हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है उनके दिमाग में, वो पागल और उल्लू बनाते हैं, ठीक है। हाँ मुझे यहाँ पर ये तो वाइब्स आ रही है कि 1-2% लोगों के पार्टनर के ऊपर तो कुछ टोना टोटका किया गया है, बाकी का ऐसा नहीं मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं, उनके पास में सभी खुशियाँ हैं और वो सिर्फ आपको दिखावा करती है कि मेरा दिमाग में कुछ कर दिया है, मेरा दिमाग ये हो गया है, मेरा दिमाग वो हो गया है, मेरा दिमाग तो सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रखता है, मुझे तो पता ही नहीं चलता है कब रात हो गई कब दिन हो गया, कभी कभी तो ऐसा होता है, वो सिर्फ ढोंग पच्चर करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटियों से भाग रहे हैं और वो अपने पेरेंट्स को खुश करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का इनहेरिटेंस की भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनहेरिटेंस की समस्या आ रही है, उन्होंने कह दिया होगा कि हम जायदाद से बेदखल कर देंगे अगर तुमने हमारी बात को नहीं माना, तो इसकी वजह से भी आपके पर्सन ढोंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन का लालच 101% मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन के माइंड पर किसी का कोई असर नहीं है, लेकिन आपके पर्सन के माइंड पर जो है लालच चढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं और कि वो दिखाते हैं कि मेरे फादर नहीं मानते हैं, मेरी मदर नहीं मानती है, मेरी सिस्टर नहीं मानती, वो मुझे ये कहती है मुझे वो कहते हैं, लेकिन ये डिसीजन आपके पार्टनर अपने दिमाग से लेते हैं। वो कितना कहेंगे, एक बार कहेंगे, दो बार कहेंगे, चार बार कहेंगे, अरे कितना कहेंगे, जब अदर पर्सन से डील कर सकता है वो बंदा अपनी मर्जी से, तो तब वो मना नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको कि आपके पर्सन की गलती है, 101% आपके पर्सन की गलती है, और आपके पर्सन नहीं चाहते कि वो आपके पास आए अपनी जिम्मेवारियों को उठाए, क्योंकि उनको पैसे का लालच है, पैसा जोड़ना है उनको, बस बस पैसा पैसा, रात दिन उनको पैसा पैसा लगा रहता है और कुछ नहीं है उनकी लाइफ में, उनके लिए कोई इंसान मायने नहीं रखता है, सिर्फ पैसा मायने रखता है। यहाँ पर आज की रीडिंग में मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, बाकी उसको कोई किसी से अटैचमेंट नहीं, लेकिन हाँ बच्चों की वो टेंशन लेते हैं, मुझे यहाँ पर ये वाइब्स तो पक्का आ रही है, ठीक। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस अभी वो बच्चों की तो टेंशन ले रहे हैं कि किसी तरह से उनका जो है फ्यूचर ब्राइट हो, किसी तरह से उनका फ्यूचर बनाया जाए, ऐसा वो सोच रहे हैं, चाहे आपके बच्चे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, ठीक है। ज्यादातर मुझे वाइब्स बड़ों की आ रही, जो कम से कम भी 15-16 साल के हो गए हैं या 13-14 साल के हैं बच्चे, उनकी ज़्यादा टेंशन है। कुछ लोगों के पार्टनर जो है जिनके बच्चे कम से कम 20-22 साल के हो गए हैं, उनको भी ज़्यादा वो सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो कर कुछ नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं बस, एक्शन लेने की सोच नहीं रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उदास तो हो जाते हैं, कभी कभी याद आती है, आपकी भी याद आती है, बच्चों की भी याद आती है, तो उदास तो हो जाती है, लेकिन थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि वो आपसे कांटेक्ट करे, थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि वो आपके साथ खुश रहें, ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है। ठीक है, तो गाइज मैं अभी देखूंगी कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए गाइज देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कोई एक्शन लेंगे। तो गाइस मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं कि आपको बहुत ज्यादा वो दुख में देख रहे हैं, तो उनको अच्छा तो नहीं लग रहा है। आप अपने काम में बिजी रहते हैं, आप नहीं दिखाते कि आपके इमोशंस उनके लिए क्या हैं, आप अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर रख रहे हैं, उनके लिए फील तो कर रहे हैं लेकिन आप अपने इमोशंस को बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं, आपके पर्सन आपको भी दुख में देख रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसे भी वाइब्स आ रही हैं गाइस कि वो आपको अपना अच्छा सोलमेट देखती हैं, एक अच्छा कंपेटेबल पार्टनर देखते हैं कि मैंने इसको इतना दुख दिया है फिर भी ये बंदा जो है मेरा वेट कर रहा है, आज तक ये मेरा वेट कर रहा है, अपने बच्चों पर ध्यान दे रहा है या दे रही है। लेकिन मुझे यहाँ पर जो वाइब्स आ रही है कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि अभी आप अपने काम धंधे में बिजी रहते हैं, चाहे आप कोई भी वर्क करती हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम करती हो, चाहे आप कोई भी किसी भी टाइप का वर्क करते, किसी जॉब में आप बिजी रहती हैं, किसी भी तरह से आप बिजी रहते हैं, तो ये आपके पर्सन आपको देख तो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा वाइब्स आ रही है गाइस कि आपके पर्सन का माइंड अभी बहुत ज्यादा सोच रहा है, ओवर थिंक कर रहा है कुछ ज्यादा ही, कि कहीं ये बंदा मुझे छोड़ के ना चला जाए, काफी टाइम पीरियड निकल गया है, कहीं ये बंदा किसी और से दिल ना लगा ले, कहीं ये छोड़ कर ना चला जाए। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही है गाइस कि आपके पर्सन आपके साथ में एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि वो कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, वो आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, आना तो चाहते हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। अब बताइए कि कौन से पेरेंट्स यहाँ पर टांग अड़ा रहे हैं, वो उनकी सोच है, वो उनका जो है सोचने समझने की खुद की क्षमता है, वो जानबूझ करके आपको दुखी कर रहे हैं, जानबूझ करके आपको पागल बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, आपका जो है एडवांटेज ले रहे हैं, वो आपको ज्यादा परेशान करने के चक्कर में है कि इसको किसी तरह से सताया जाए, इसको किसी तरह से दुखी किया जाए। कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है और वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी भी उनका दिल नहीं भरा, इतने साल हो गए हैं, ठीक है, वो रोते तो हैं, कभी कभी याद आती है कि सब कुछ ठीक कर दूं, लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है, ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी फीलिंग्स आ रही हैं गाइस कि एक अच्छा पार्टनर तो देखते हैं आपको, लेकिन वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। फिलहाल की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी चीज का बदला लेना चाह रहे हैं आपसे, इसी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को भी नहीं दिखा रहे हैं और कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, कमिटमेंट की भी नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा जो है फीलिंग्स आ रही हैं, वो सोच तो रही हैं कि कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। अब बताइए मुझे कौन सी थर्ड पार्टी रोक रही है उसके दिमाग को, ठीक है, वो जानबूझ करके उल्लू बना रहे हैं कि मुझे मेरे पेरेंट्स रोक रहे हैं, मुझे अदर पर्सन रोक रहा है, मुझे ये रोक रहा है, मुझे वो रोक रहा है, मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया है, मेरे ऊपर ये कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आज की एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपने आप ही जो है वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं, अपने इमोशंस को दिखा नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको तंग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं और थोड़ा सा पास्ट को लेकर के हील भी कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं गाइस कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और आप मेरे बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी साइन जो है जेमिनी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकती हैं, ठीक है, आपके पर्सन के साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, आपके पर्सन के साइन टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और आपके पर्सन के साइन मुझे यहाँ पर एरीज लियो सजिटेरियस भी दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि स्कॉर्पियो हो सकते हैं या फिर पाइसेस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो जानबूझ करके कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो एक्शन तो जरूर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही हैं कि वो कभी कभार रोते बहुत हैं, बहुत ज्यादा जो है तड़फ रहे हैं कि किसी तरह से मैं ठीक कर दूँ सब चीजों को, क्योंकि कभी कभी तो इंसान का दिल पिघलता है ना, ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम वो कठोर ही रहता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आपके पर्सन जो है वो अभी फिलहाल एक्शन लेने की तो सोचते हैं, लेकिन वो जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं। कुछ टाइम पीरियड निकल सकता है, 10 दिन, 20 दिन, महीना निकल सकता है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि अभी वो कमिटमेंट ना दें, हो सकता है वो आपको जांचे परखे, कुछ सोचे आपके बारे में, और अभी वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अभी भी वो आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन खुद को कंट्रोल कर रहा है, आप चिंता ना करें, ये पर्सन जरूर आपकी तरफ आएगा, ठीक है, ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि ये पर्सन जरूर आपकी तरफ आएगा, ठीक है, आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ होगी। लेकिन आप अपना दिमाग जो है ज़्यादा सोच विचार में ना लगाएं,
आप गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखें और जितना हो सके भगवान की भक्ति करिए ताकि आपके अच्छे कर्म बढ़े और जो बुरे कर्म है वो जल्दी से ओवर हो जाए और जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में खुशियाँ आए। मैं तो यही यूनिवर्स से दुआ करती हूँ कि आपके पर्सन का जो माइंड है वो सही से चलने लगे, सद्बुद्धि गुण उनको दे और आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।